टिहरी बांध परियोजना भी भारत सरकार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का हिस्सा थी। ये वो बहुउद्देशीय ऊर्जा परियोजना थी जिसके पूरा होने के बाद उत्तराखंड की तस्वीर बदलना तय था, लेकिन कई मुश्किलें भी थी। सैकड़ों गांव टिहरी शहर से लेकर लाखों लोगों को विस्थापित करना बड़ी चुनौती थी। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बसा टिहरी शहर आजादी के पहले से इलाके का महत्वपूर्ण राजनैतिक और व्यापारिक केंद्र था। दोनों पवित्र नदियों के संगम पर बसे होने की वजह से टिहरी की पौराणिक और धार्मिक पहचान भी थी। सरकारी दफ्तर से लेकर जिले के अधिकांश कार्यालयों के मुख्यालय, बैंक, कोर्ट, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ टिहरी और प्रताप नगर इलाके के निकट टिहरी शहर में मौजूद थे। इसलिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी टिहरी बांध के बाद इन सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों के विस्थापन की। काम शुरू हुआ तो टिहरी परियोजना के जलाशय का क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर निर्धारित होने के बाद टिहरी शहर सहित 37 गांव का पूरी तरह से और 72 गांव का आंशिक तौर पर विस्थापन कर दिया गया। 42 वर्ग किलोमीटर जलाशय की वजह से दर्जनों पैदल पुलों का डूबना तय था। उत्तराखंड सरकार ने 2001 में पीपल डाली और सियासू में दो पुल बनाने का निर्णय लिया। आईआईटी रुड़की की कंसल्टेंसी से पीपल डाली में 390 मीटर स्पैन और 3 मीटर चौड़ाई के हल्के वाहन झूला पुल का निर्माण शुरू किया गया, जो वर्ष 2005 में पूर्ण हुआ और सियासू के पास 375 मीटर स्पैन और 3 मीटर चौड़ाई के हल्का वाहन झूला पुल का निर्माण 2006 में पुनर्वास निदेशालय टिहरी बांध परियोजना के अधीन अधीक्षण अभियंता पुनर्वास पीडब्ल्यूडी की नई टिहरी इकाई द्वारा सफलता के साथ पूरा किया गया। 29 अक्टूबर 2005 को अंतिम डायवर्जन टनल के बंद हो जाने के बाद 16 जनवरी 2006 को भरडियाना पुल बंद कर दिया गया, जिसके बाद से प्रताप नगर और धार मंडल के लोग पीपल डाली और सियासू पुल पर ही निर्भर हो गए और भारी गाड़ी को लिए धरासू और घनसाली पुल मजबूरी बन गया। भरडियाना पुल के टिहरी डैम में डूबने से ऋषिकेश से लंबगांव और प्रताप नगर की दूरी में जमीन आसमान का अंतर आ गया। इसके लिए सरकार ने डोबरा चांठी पुल बनाने का निर्णय लिया। ऋषिकेश से भारी वाहनों से दूरी, भरडियाना पुल डूबा तो ऋषिकेश से लंबगांव और प्रताप नगर की दूरियां बढ़ गईं। दूसरे रास्तों से संपर्क साधने में दुगना वक्त लगने लगा। इलाके का विकास भी लगभग ठप पड़ गया। डोबरा चांटी पुल इलाके के लिए किसी राहत से कम नहीं था। लंबगांव 114 किलोमीटर, प्रताप नगर 135 किलोमीटर। डोबरा चांठी पुल बन जाने के बाद भारी वाहनों हेतु ऋषिकेश से लंबगांव की दूरी 232 किलोमीटर से घटकर 114 किलोमीटर, ऋषिकेश से प्रताप नगर की दूरी 211 किलोमीटर से घटकर 135 किलोमीटर रह जाएगी। जिला मुख्यालय नई टिहरी से लंबगांव की दूरी 144 किलोमीटर से घटकर 55 किलोमीटर व प्रताप नगर की दूरी 150 किलोमीटर के स्थान पर 68 किलोमीटर ही रह जाएगी। 10 नवंबर 2005 में पहली बार डोबरा चांटी पुल की परिकल्पना उत्तराखंड सरकार के सामने आई। इस मेगा प्रोजेक्ट पर तुरंत काम शुरू कर दिया गया। प्रताप नगर इलाके को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डोबरा चांठी पुल का निर्माण इस पूरे इलाके के लिए किसी स्वप्न की तरह था, और इस सपने को साकार करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने आईआईटी रुड़की को पुल के जियो टेक्निकल परीक्षण और डिजाइन के लिए कंसल्टेंसी के लिए अनुरोध किया। हम उसमें जैसे कुछ प्लम कंक्रीट जितना उसका वेल कर्व की हाइट है उससे करीब 500 mm ऊपर तक हम उसमें बॉटम कंक्रीट कर रहे हैं। <स्थाथ। स्थाथ>
आईआईटी रुड़की की बड़ी टीम ने डोबरा के पास एक जगह को चिन्हित किया। डिजाइन के मुताबिक बिल ऑफ क्वांटिटी विभाग को आगणन के लिए उपलब्ध कराया गया। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की टीम ने पुल की चौड़ाई 5.5 मीटर और दोनों ओर 0.75 मीटर के फुटपाथ के लिए और भारी वाहन की लोडिंग के लिए झूला पुल के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसकी अनुमानित लागत 90 करोड़ आकी गई और 22 मार्च 2006 को मुख्य सचिव उत्तराखंड ने बैठक कर आईआईटी रुड़की के संभावित खर्च के आकलन पर 17 अप्रैल 2006 को 89.20 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी। अधीक्षण अभियंता पुनर्वास ने 4 जनवरी 2006 को भेजे गए ग्लोबल टेंडर नोटिस के बाद इच्छुक 6 फर्मों के टेंडर पर विचार करना शुरू किया, जिससे मेसर्स कैमन इंडिया लिमिटेड मुंबई और मेसर्स वीके गुप्ता एंड एसोसिएट्स चंडीगढ़ की निविदाएं तकनीकी रूप से सही पाई गईं। 22 मार्च 2006 को दोनों कंपनियों के लिए टेंडर खोल दिए गए। 24 अप्रैल 2006 को सबसे कम निविदा वाली वीके गुप्ता एसोसिएट्स चंडीगढ़ की निविदा को उत्तराखंड सरकार ने पास कर दिया और साथ ही 20 महीने में प्रोजेक्ट पूरा करने की तय सीमा भी रखी गई। इस सहमति पर 28 अप्रैल 2006 को एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया। समय कम और लक्ष्य बड़ा, इसलिए पुल का जियोटेक्निकल परीक्षण, डिजाइन और निर्माण सभी साथ साथ चल रहे थे। पुल के नींव खुदाई के दौरान दाहिनी ओर ज्यादा गहराई तक जाने के बाद भी पक्की नींव न मिल पाने के कारण वक्त और खर्च दोनों बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों ने मुख्य स्पान 396 मीटर से बढ़ाकर 440 मीटर कर दिया, जिसकी वजह से दोबारा पूरी डिजाइन को बदलना जरूरी हो गया। काम बढ़ा तो प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत भी बढ़ गई। पैसे का इंतजाम जरूरी था, इसलिए दोबारा 8 दिसंबर 2008 को उत्तराखंड प्रशासन ने 128.53 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की डिजाइन पर प्रोजेक्ट का काम चलता रहा, लेकिन 2010 उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा ने प्रोजेक्ट के काम पर एक बार ग्रहण लगा दिया। टिहरी जलाशय में भू धंसाव होने की वजह से पुल पर खतरा मंडराने लगा। हालात नाजुक थे और सरकार प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए आईआईटी रुड़की और पुनर्वास निदेशालय के अधिकारियों ने 24 दिसंबर 2010 को बैठक कर पुल की डिजाइन चेकिंग के काम को किसी दूसरी संस्था से चेक कराने पर सहमति जताई। आईआईटी रुड़की ने प्रोजेक्ट के कामों का ड्रॉइंग्स के आधार पर पूरा खाका तैयार कर पेश किया।
आईआईटी रुड़की ने प्रोजेक्ट के ब्यौरे में इस बात का खास तौर से पुल के ट्रस्ट कार्य को लेकर जिक्र किया और टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि किसी सक्षम संस्था से जांच के बाद ही ट्रस्ट का कार्य कराया जाए। विभाग ने आईआईटी रुड़की की टिप्पणी को ध्यान में रखकर 12 जनवरी 2012 को पुल की डिजाइन और आधुनिकीकरण के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ एक एमओयू गठित किया, लेकिन आईआईटी खड़गपुर ने पुल की ट्रस्ट की लॉन्चिंग के लिए जरूरी इंजीनियरिंग की दक्षता को लेकर असमर्थता जताई, इसलिए किसी दूसरी दक्ष कंपनी को इसके लिए शामिल करना ही उचित होगा। आईआईटी खड़गपुर के पीछे हटने के बाद डोबरा चांटी प्रोजेक्ट का काम रोक देना पड़ा। 15 नवंबर 2013 को सचिव पीडब्ल्यूडी के निर्देश पर बाकी बचे कामों को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट मंगाने के लिए निविदा जारी की गई। विदेशी कंपनियों की 8 निविदाएं आईं, जिसमें इन्फिनाइट इंजीनियरिंग लिमिटेड कनाडा की निविदा पर विचार किया गया। कनाडा की कंपनी ने पावर प्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन बात बनी नहीं। दूसरी बार भी 5 कंसल्टेंट कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई, जिसमें योशिन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कोरिया और वीकेएस इंफोटेक मैनेजमेंट नई दिल्ली का संयुक्त प्रस्ताव आया, जिसकी लागत 10,72,92,880 के करीब थी। उससे पहले पायदान पर चुना गया। कोरियन कंपनी के साथ डोबरा चांठी प्रोजेक्ट के बचे कामों को पूरा करने के लिए 18 महीने का कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया गया। 15 नवंबर 2014 से शुरू हुआ डोबरा चांठी प्रोजेक्ट के लिए 14 फरवरी 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डोबरा चांटी मोटर झूला पुल की कामयाबी के लिए कई मानकों पर खरा उतरना जरूरी था। कोरियन कंसल्टेंसी कंपनी भी किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। लोक निर्माण विभाग भी कोरियन कंपनी योशिन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर हर छोटी बड़ी बात को पुख्ता कर लेना चाहता था, ताकि प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा हो सके। कंसल्टेंट द्वारा दिसंबर 2014, जनवरी 2015, मार्च 2015 और अप्रैल 2015 को मासिक प्रगति रिपोर्ट को जारी किया गया। डोबरा चांठी पुल के डिजाइन काम ने तेजी पकड़ ली थी, लेकिन इस बीच कोरियन कंपनी ने अपनी इंसेप्शन रिपोर्ट में पुल की प्रोक्योर्ड सैडल और क्लैंप को अपने मुताबिक सही नहीं बताया और अंतिम निर्णय विंड टनल टेस्ट रिपोर्ट के आने के बाद ही लेने की बात कही। कंसल्टेंट कोरियन कंपनी के द्वारा डोबरा चांटी पुल के डिजाइन पर सवाल उठाने के बाद उत्तराखंड सरकार ने योशिन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को विंड टनल टेस्ट कॉसेट विंड टनल सेंटर चोंबुक कोरिया में कराने की अनुमति प्रदान की। विंड टनल टेस्ट की लागत $2,80,000 आंकी गई। 15 मई 2015 को कंसल्टेंसी द्वारा अपने कार्यों का विवरण ईमेल के जरिए भेजा गया, जिसके बाद 23 मई 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंसल्टेंसी कंपनी के कार्यों की समीक्षा की बैठक ली। वर्तमान में पुल के काम में संयुक्त उपक्रम PRIL, VKGA, MBZ, क्रमशः PNR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड PRIL चंडीगढ़, मेसर्स VK गुप्ता एंड एसोसिएट्स, VKGA मेंबर पंचकुला हरियाणा एंड LLC, मोस्तो बुदीवेली जाहिन नंबर 112, MBZ मेंबर यूक्रेन, इनके साथ 135 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। अनुबंध में 12 फरवरी 2016 से काम की शुरुआत के बाद काम पूरा करने की तय सीमा 11 अगस्त 2017 निर्धारित की गई है।
डोबरा चांठी पुल के डिजाइन में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो सभी मानकों पर खरी उतरी है। डोबरा चांठी पुल का शानदार डिजाइन बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को भी झेलने के लिए उपयुक्त है। देश का सबसे लंबा मोटर मार्ग झूला पुल प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों का अधूरा ख्वाब है, जिससे उत्तराखंड सरकार और लोक निर्माण विभाग जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तत्पर है। डोबरा चांठी मोटर झूला पुल की परिकल्पना सिर्फ एक मोटर पुल प्रोजेक्ट भर सीमित नहीं है, बल्कि टिहरी प्रतापनगर के आसपास के इलाके के हजारों लाखों लोगों का सपना है, जो इसके पूरा होने की आस बरसों से देख रहे हैं। डोबरा चांठी मेगा प्रोजेक्ट की हकीकत को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के सचिव, प्रभारी सचिव श्री अरविंद सिंह हयाकी व प्रमुख अभियंता एच के उपरेती को सौंपी गई। आज एच के उपरेती जी के कुशल नेतृत्व में डोबरा चांठी पुल का सपना जल्द से जल्द साकार होने को है। प्रोजेक्ट मैनेजर डोबरा चांठी परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग टिहरी।